तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें आपको बताएंगे कि ईमेल आईडी से लेकर चैनल के कुछ सेटिंग जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कैसे करें वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रोम पे आना है। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे प्लस में जाएंगे। अब साइन इन पे जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, ईमेल आईडी को हम नया ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, तो माई सेल्फ यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो मेरे लिए है ये। और नया ईमेल आईडी बनाने से ये होता है कि आपका सारा डिटेल जो है बिल्कुल परफेक्ट आएगा, वरना बहुत साल पहले का दिखाएगा। वो पुराना वाला ईमेल आईडी अगर यूज़ करिएगा तो वो बेकार आपको शो करेगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना है, उसी के ज़रिए यहाँ पे ईमेल यूज़र नेम आपको बना लेना है। और कुछ ये ऑटोमेटिक भी देता है कि आपको किस तरीके का ईमेल आईडी यहाँ पे रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे दे रखा है एजुकेशन सिंह 4, तो अगर आपको इसमें से कोई पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ऊपर जो है अपना नाम यहाँ पे आप चेंज करके देख लीजिए कि आपका इस तरीके से वहाँ पे खाली है या नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है कि अगर कोई व्यक्ति यूज़ पहले से कर रहा होगा तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको डालना है पासवर्ड। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, दो दो बार यहाँ पे पासवर्ड डालना है। और पासवर्ड ऐसा रखिएगा जैसे कि थोड़ा सा मतलब आसान ना हो, मोबाइल नंबर ना डाल दें आप जैसे कि ram@123 इस तरीके से आप पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा हार्ड पासवर्ड रखें और डायरी में लिख के रखें ताकि आप भूले नहीं। तो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हमें करना है नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे डाल देना है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आप अपना पर्सनल डालें तो वही बेहतर है, वरना आप दूसरों से मांगते रहेंगे कि आपका पासवर्ड क्या है, पिन कोड क्या है। तो इस तरीके से फ़ोन नंबर डालेंगे तो यहाँ पे OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डाल के आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपका और डिटेल मांगेगा कि जैसे आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए आपको एक दूसरी ईमेल आईडी डालनी होगी। तो वो ईमेल आईडी किसी भरोसे वाले बंदे का डालें, जैसे भाई भाई बहन मम्मी पापा इस तरीके से डाल दें, किसी पड़ोसी का ना डालें वरना उसके पास पासवर्ड जाएगा। हो सकता है वो भी आपका फ्यूचर में अगर आप कामयाब होंगे तो वो आपका हैक कर सकता है। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट मंथ ईयर, और यहाँ पर जेंडर चॉइस करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे रिव्यू, वीडियो कॉल्स, मैसेज, मतलब ये सारा चीज़ जो भी पूछेगा यहाँ पे यस आई एम इन, मतलब मैं इसमें लॉगिन करना चाहता हूँ या लॉगिन कर रहा हूँ, तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है, वापस ये पूछेगा सिक्योरिटी टर्म, इसको भी आई एग्री करना है। और आगे अगर क्लिक करिएगा तो फिर से यस। अब यहाँ पे आपका ईमेल आईडी खुल चुका है। अब यहाँ पे अपना चैनल का नाम यहीं पे आप डाल सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे कोई भी चैनल का नाम अगर आपको पसंद है तो उस तरीके से यहाँ पे अपना चैनल का नाम यहाँ पे डाल दें और कलर वलर चॉइस कर लें। जैसे सिंह एजुकेशन इंडिया, इस तरीके से हमने एक चैनल बनाया है जिसपे एजुकेशन से रिलेटेड ब्लॉग, इस तरीके से मेरा नहीं है, मेरे एक भाई का है, मतलब दोस्त का, तो उनका ये चैनल बनाया है। तब यहाँ पे कलर चॉइस कर सकते हैं, इस तरीके से आपको जोन सा भी कलर अच्छा लगे वो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो आपका ये चैनल जो है, ईमेल आईडी जो है वो बन चुका है। ठीक है, ईमेल आईडी बनने के बाद अब आपको क्या करना है, यूट्यूब पे चैनल बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे यूट्यूब। यूट्यूब जैसे लिखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है साइन इन। साइन इन करने के लिए इस पर क्लिक करें, वो जो पासवर्ड आपने यहाँ पे बनाया था उस पासवर्ड को डाल के साइन इन कर सकते हैं। अब वैसे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, अगर ना आए तो वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा साइन इन में, वो कर सकते हैं। तो अब जाएंगे यहाँ क्रिएट ए चैनल पे, इस तरीके से चैनल पे डालेंगे तो जो नाम हमने डाला था वो यहाँ पे आ जाएगा, सिंह एजुकेशन इंडिया। अब एक हैंडल वाला ऑप्शन भी आया है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर ना आए तो आप अपने हिसाब से जो आपका चैनल का नाम है वही @ लगा के हैंडल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ग्रीन का निशान इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना हैंडल जो है बना लें ताकि आपका और कोई ये हैंडल कॉपी ना कर ले, वरना ये अगर एक बार कॉपी हो गया तो आप उस तरीके से नाम ना बना के आपको कुछ नंबर या कुछ अलग से लिखना पड़ सकता है, तो ये बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे ये हैंडल हमारा क्रिएट हो गया और नाम भी क्रिएट हो गया। तो अब ये देखिए हमारा चैनल आ चुका है। अपलोड वीडियो, कस्टमाइज चैनल, मैनेज वीडियो, इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस आ चुके हैं।
अब यहाँ पे चैनल का नाम आ गया सिंह एजुकेशन इंडिया और नो सब्सक्राइबर, यहाँ पे मतलब एक भी सब्सक्राइबर अभी नहीं है। तो अब यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग में। अब यहाँ पे सेटिंग कुछ करेंगे जो कि टॉप बहुत इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, जिससे कि आप सर्च करेंगे तो आपका चैनल एकदम टॉप पे आएगा, तो वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो सेटिंग में जाने के बाद चैनल पे जाएंगे, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहाँ पे डाल देना है इंडिया, कि भाई आप इंडिया से हो, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। ये जो कीवर्ड है यही इम्पॉर्टेंट है, इस कीवर्ड में आपको चैनल का नाम डाल देना है, कैपिटल लेटर में डालना है, स्मॉल लेटर में डालना है, पहला कैपिटल लेटर फिर स्मॉल लेटर, मतलब इस तरीके से कई अंदाज तरीके में आप लिख सकते हैं। जो कोई भी व्यक्ति अगर कोई स्मॉल में लिखता है, स्पेस में लिखता है, जैसे सिंह एजुकेशन इंडिया एक साथ लिख दिया, सिंह एजुकेशन इंडिया हम स्पेस करके लिख दिए, फिर हैशटैग सिंह एजुकेशन इंडिया और एक एक प्योर मतलब फुल अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल होना चाहिए, एट द रेट सिंह एजुकेशन इंडिया, इस तरीके से आप लिख देंगे तो कुछ भी बंदा सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ देखिए एजुकेशन सिंह इंडिया और सिंह एजुकेशन इंडिया कैपिटल लेटर में सिंह एजुकेशन, मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर वापस सेटिंग में जाए, यहाँ पे हमने चैनल नेम डाल दिया। अब एडवांस सेटिंग में गए, एडवांस सेटिंग में जाने के बाद ये जो है नो सेट दिस नॉट मेड फॉर किड, हमें जो है ये एक भी वीडियो हमें बच्चों के लिए नहीं डालना है जो कि 18 साल से कम है, क्योंकि अगर ये हम क्लिक कर देते हैं तो जॉनी जॉनी यस पापा इस तरीके से हम जो वीडियो बनाते हैं वो होता है बच्चों के लिए, हम तो बच्चों के लिए वीडियो बनाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए वीडियो बनाएंगे तो हमारा मैसेज बंद हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि हमारा मैसेज बंद हो। तो यहाँ पे हमने उसको नो हमेशा के लिए कर देना है। और उसके बाद आते हैं अपलोड डिफ़ॉल्ट में, अपलोड डिफ़ॉल्ट में आएंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि आपका चैनल का नाम और कॉपीराइट वाला मैसेज किसी भी चैनल से कॉपी करके डाल सकते हैं या मेरे चैनल से कॉपी करके आप डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके यही डाल सकते हैं। तो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर एक डालने से हमारा कुछ थोड़ा सा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो वो कॉपीराइट डिस्क्लेमर यहाँ पे डाल सकते हैं। अपना चैनल का नाम जो है हैशटैग करके डाल सकते हैं, तो आपका एक ऊपर ब्लू कलर के नीचे ब्लू कलर का लिखा हुआ हैशटैग जो भी होगा ब्लू कलर का आएगा, जो कि आप जानते होंगे। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग आएगा, सेटिंग में दोबारा जाएंगे, दोबारा जाने के बाद एडवांस सेटिंग हमने नो कर दिया यहाँ पे और इसमें कुछ भी नहीं है। फीचर एलिजिबिलिटी, फीचर एलिजिबिलिटी यहाँ पे पहला आपका एनेबल ही रहेगा, सेकंड आपका रहेगा इंटरमीडिएट फीचर्स, तो ये जो है एक नॉर्मल सा है, आपको फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना है। फ़ोन नंबर डालने से आपका क्या होगा, वीडियो जो है 15 मिनट के ऊपर आप बना सकते हैं, कस्टमाइज थंबनेल मतलब अपना थंबनेल लगा सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट कोड यहाँ पे आएगा, उस कोड को डालेंगे तो वैसे ही वो ऑटोमेटिक वो ग्रीन हो जाएगा। तो कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, तो आपका फ़ोन भी वेरीफाई हो गया और आपका ये भी एलिजिबल हो गया, आप 15 मिनट से ज़्यादा डाल सकते हैं। एडवांस फीचर्स में इसको भी एलिजिबल हो जाएगा, तो ये कैसे होगा, इसमें आपको एक आईडी डालनी पड़ेगी, अप्रूवल टाइम यूज़र वन ए डे यूजली वन अपॉन वन ए डे, मतलब इसमें आपको, और ऑटोमेटिक जो है ये 2 महीने के बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अगर आपको कराना है तो इसमें आप वेरीफाई एक आईडी डालिए और ये आपका हो जाएगा 30 सेकंड के अंदर अंदर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बाद में करेंगे। तो एडवांस हो गया और आपका नीचे सारा देख लीजिए, ये हो गया अपलोड डिफ़ॉल्ट में, आपको पता चल गया टाइटल चेंज करना है। विजिबिलिटी हमेशा अनलिस्टेड रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजिबिलिटी अनलिस्टेड रखें, क्योंकि वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो हमेशा पब्लिक नहीं होना चाहिए, सब कुछ करने के बाद थंबनेल हमने करने के बाद हमें विजिबिलिटी ऑन करना है, मतलब पब्लिक करना है। और टैग में आपको हर वीडियो में आपको टैग डालना है जो कि पब्लिक, जैसे आप किसी चैनल के द्वारा बनाया जाता है, मतलब वीडियो बनाते हैं, तो वैसा ही आपको रखना है। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज चॉइस कर लें कि आपको लैंग्वेज कौन सा रखना है, तो हमें यहाँ पे हिंदी रखना है, हम हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हिंदी वाले ऑडियंस पे हमारा वीडियो जाए, क्योंकि इंग्लिश वाले जो लैंग्वेज है वो तो हमारा वीडियो देखेंगे नहीं, क्योंकि उनको भाषा ही समझ नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अलाउ ऑल कमेंट, हमें कमेंट जो है डायरेक्ट चाहिए, हमें कोई उसको फ़िल्टर नहीं करना है। तो एडवांस सेटिंग भी सारा सेटिंग हो गया, परमिशन में कुछ भी नहीं होता, कम्युनिटी में कुछ नहीं होता, एग्रीमेंट में भी कुछ नहीं होता। मोनेटाइजेशन में आपको वही 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम करना है। सब टाइटल में कुछ नहीं होता, कमेंट में जो आप वीडियो डालोगे उस पर कमेंट आएगा वो आ जाएगा। एनालिटिक्स में सारा डिटेल आपका यहाँ पे शो करेगा, कितने घंटे हुए, कितने मिनट हुए, कितने सब्सक्राइबर हुए, किस वीडियो से कितना आया, वो एनालिटिक्स हो जाएगा।
उसके बाद तो यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग था जो आपको करना ज़रूरी था जिससे आपका चैनल जो है वो सर्च में आ सके। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग, तो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो और चैनल भी सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आपके इस भाई के चैनल पर व्यूज़ बढ़ता रहे और सब्सक्राइब भी आते रहे। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उसके दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने नहीं किया प्लीज़ यार कर दो, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन